प्रेमी श्रोताओ नमस्कार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यम। सोनातन के माध्यम से महाभारत कथा सुनाएंगे, महाभारत कथा सुनाएंगे, सुलह नहीं होने का कृष्ण जी संदेश बताएंगे। हारमोनियम पे हंसराज संगीत रिसाल बजाएंगे, संगीत रिसाल बजाएंगे, कौशिंदर ऋषि पाल अर्जुन का मोह दिखाएंगे। माननीय प्रेमी श्रोताओं, सोनाटोन के माध्यम से आज आप सुनेंगे महाभारत का धार्मिक, मार्मिक व सामाजिक पर्व कृष्ण संदेश व अर्जुन का मोह। अभिमन्यु विवाह के बाद पांडवों को ये चिंता हुई कि अब हमें रहन सहन के लिए जगह चाहिए, तो भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर भेज दिया के सब जाओ और दुर्योधन से कहो, दुर्योधन पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास अब तो पूरा हो गया है, अब उन्हें अपना आधा हक लेने का अधिकार बन गया है। मेहरबानों भगवान कृष्ण दुर्योधन की राजसभा में पहुंचे और सब कुछ कहा, दुर्योधन पांडवों को आधा हक दे दो। इनकार कर दिया, राज के कभी बंटवारे नहीं होते, अगर पांडवों को हिस्सा लेना है तो बिना लड़े कृष्ण जी सुई की नोक के बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। मेहरबानों भगवान कृष्ण को बहुत बुरी लगी और अपमान सहित वापिस आ गए। मेहरबानों समझाया पांडवों को, भीम को गुस्सा आया और कहने लगे, भ्राता श्री धर्मराज अब हमें युद्ध के बल से अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। मेहरबानों द्रौपदी ने सुना और कहा, थारे रजपूती की लाज रही ना, किसे बात का डर को ना, इस बहु ने कड़े बिठाओगे जब थारे गांव और घर को ना। तुम तो छत्री के औलाद हो, कोई धनधारी बनता है, कोई धर्म पर चलने वाला बनता है, कोई ज्योतिषी बनता है। मेहरबानों अब तो अखाड़ा जुड़ने की बात आ गई और दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगी। युद्ध होने से पहले युधिष्ठिर ने एक बार और मौका दिया कि सब एक बार और चले जाओ। भीम ने तो इनकार किया, भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर भेजना, पांडवों की सिर्फ लोग हसाई होनी है, लेकिन कहा धर्म और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भीम एक बार और मौका दो दुर्योधन के लिए। मेहरबानों किस तरह से युधिष्ठिर और कृष्ण के जवाब सवाल होते हैं। हाँ, एक बैरी जाओ घनश्याम, नहीं रुकेगा इब संग्राम, जागर मान जा मान जा केसर, बिरथा से हस्तिनापुर जाना हमारा, माने ना माने तन जाओ दोबारा, बिरथा से हस्तिनापुर जाना हमारा, माने ना माने तम जाओ दोबारा, एक बैर जाओ घनश्याम, नहीं रुकेगा इब संग्राम।
जामो जा कर मान जा मान जा किसने बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तन जाओ दोबारा बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तन जाओ दोबारा जाए लड़ाई बदी नीच के दिल में आई जाके देखो कृष्ण कन्हाई हाँ मान जाते कुल का होता नाश भी रुक जाएगा जिद करके बैठे से पापी अवश्य सताएगा जाकर मान जा मान जा बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तम जाओ दोबारा बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तम जाओ दोबारा देखो जाके देखे खूब मने समझा के कहियो मिले के नाश करा के बैठे मूरख कसम उठा के ओ कहना दुर्योधन पे कुल का नाश ना बच पावेगा कहूंगा भद तेरा उसकी समझ में ना आवेगा जाकर मान जा मान जा किसने बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तम जाओ दोबारा बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तम जाओ दोबारा हक दुर्योधन देना आधा थारा समझाने का कादा समझाने में कति न फायदा हाँ कुटुम का नाश चला जागा ना वंश का नाम निशान रहे पागल हो गए धर्म राज ना अमर सदा इंसान रहे बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तम जाओ दोबारा बिरथा से हस्तनापुर जाना हमारा माने ना माने तम जाओ दोबारा We'll be right back.
बचाओ। वही करूंगा जो तुम चाहो, हस्तनापुर इब जल्दी जाओ। तू मेरी इज्जत तरवाओ। हाँ रिसिपाल गाना सदा होता स्वर और साज का, को सुंदर कमाल आज देखो हंस राज का। जा गर मान जा मान जा कृष्ण, वृथा से हस्तनापुर जाना हमारा। माने ना माने तुम जाओ दोबारा, वृथा से हस्तनापुर जाना दोबारा। माने ना माने तुम जाओ दोबारा, एक बैर जाओ घनश्याम। नहीं रुकेगा इब संग्राम, जा कर मान जा मान जा के सब, वृथा से हस्तनापुर जाना हमारा। ना ना माने ना माने तुम जाओ दोबारा, वृथा से हस्तनापुर जाना हमारा। माने ना माने तुम जाओ दोबारा। खैर भगवान कृष्ण, धर्मधिष्ठिर की बात मान के दुर्योधन की राजसभा में पहुंच गए। साथियों, कृष्ण की सूरत को देखते ही दुर्योधन का चेहरा लाल हो गया। कहा, दुर्योधन अगर आधा हिस्सा राज का नहीं दे सकते तो एक बात तुम्हें सोचनी चाहिए, उन रहन सहन के लिए जगह चाहिए। केवल 5 गांव मुंह मांगे दे दो जिससे वो अपना गुजारा कर सके। मेहरबानों, उस जिद्दी दुर्योधन के तो केवल वही शब्द थे, सुई की बराबर नोक के हिस्सा नहीं देने का। अगर हिस्सा लेना चाहते हैं पांडव तो लड़ाई के बल से ले सकते हैं मेहरबानों। और कहा, ए कृष्णा पाली, क्या पांडवों ने तुझे रिश्वत दे रखी है? चला जा यहाँ से, वरना किसी का मुंह नहीं रोका जा सकता, कोई गाली गलौज दे देगा। मेहरबानों, तेज अंगार हो गए कृष्ण भगवान और वहां से कुछ सोच समझ के राजा विराट के यहां आ गए। साथियों, पांडवों ने जैसे ये बात सुनी, भीम को गुस्सा आया और उधर दुर्योधन को चिंता हो गई। राज दरबार से कृष्ण जी के निकलते ही करण को बुलवाया और कहा, तुम्हें मेरी युद्ध में मदद करनी है। मेहरबानों, करण को लेके दुर्योधन दादा भीष्म के पास पहुंच गया और करण की सूरत को देखकर भीष्म क्रोधित हो उठे। कहा, दुर्योधन ये करण भरत वंश के नाम पर एक कलंक है, नाश की जड़ केवल करण है, इसके होते हुए भीष्म की जरूरत क्या है? साथियों, करण को गुस्सा आ गया, दुर्योधन ने भीष्म को मनाया और फिर करण से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे भी समझा बुझा लिया। साथियों, फिर तो करण खुश हो गए और मगन होके कहने लगे, दुर्योधन मौका हाथ नहीं आएगा, जल्दी से पांडवों पे परवाना भेज दो कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। और किस तरह से दूत के लिए परवाना भेज दिया। दुर्योधन मानिए कहना, नहीं कष्ट पड़ेगा सहना, भेजो पांडों पे परवाना। फिर बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, पड़े जंग में जाना। दुर्योधन मानिए कहना, नहीं कष्ट पड़ेगा सहना, रे भेजो पांडों पे परवाना। ये बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, पड़े जंग में जाना।
बते देखो ताकत अजमा के, जो चाहो लेना हिस्सा मिले विजय जंग में पाके। हुक्म नहीं माना तमने रहना पड़बन में जाके, बल का बेरा पटेगा रण दंगल के माया के। चिट्ठी का बेरा पाटे जो धर्म लड़न ते नाटे, पड़ जागा दुखड़ा ठाना ए बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, पड़े जंग में जाना। से लड़नी पड़े लड़ाई, लड़े बिना तम हस्तनापुर में मांगी मिले न पाई। करना होगा युद्ध कतीना होगी सुलह सफाई, नहीं लड़े बैराट नगर पे करनी पड़े चढ़ाई। पड़े तमे पछताना, ए बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, पड़े जंग में जाना। लिखो हवाला चिट्ठी में बैराटपुरी पहुंचाओ, कुंती के पांचों बेटा ने जंग के बीच बुलाओ। परवाने में लिखो पांडव खैर जो अपनी चाहो, या ते लड़ो लड़ाई या फिर वन में वापस जाओ। कौशल देखो और दिखाना, जे बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, पड़े जंग में जाना। कासद लेके परवाना बैराटपुरी ने धाया, चलते चलते दूत पांडवा के धोर तक आया। सुना हवाला भीम बली के तन में गुस्सा छाया, ठानंगी तलवार भीम ने दूत मारना चाहया। ईश्वर ने कथ के ऋषि पाल समझाना, ये बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, पड़े जंग में जाना। दिर्यो
भेजो पांडो पे परवाना, ये बिना लड़े हक नहीं मिलेगा, पड़े जंग में जाना। जैसे ही दूत उस परवाने को लेके और पांडवों के पास पहुंच गया, साथियों परवाने के सुनते ही भीम के तन बदन में चिंगारी उठ गई, साथियों हाथ में तलवार उठाई और दूत को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। साथियों भगवान कृष्ण ने रोका भीम, दूत को मारना अधर्म और अन्याय होगा, ये तुम्हारी मर्यादा और धर्म के खिलाफ है, दूत को कभी नहीं मारा करते, इसमें दूत की गलती नहीं है, ये तो संदेशा लेकर के तुम्हारे पास आया है। और न्यू समझान लगे अरे दूत मारना ठीक नहीं से, सुनो भीम बलकारी, धर्म कर्म और मर्यादा की शान बिगड़ जा सारी, दूत मारना ठीक नहीं से, सुनो भीम बलकारी, धर्म कर्म और मर्यादा की शान बिगड़ जा सारी, दूत मारना ठीक नहीं से। बिघन के बोरिया से, बीज बिघन के बोरिया से, गिरियो धनिया त्याचारी, दूत मारना ठीक नहीं से, सुनो भीम बलकारी, धर्म कर्म और मर्यादा की शान बिगड़ जा सारी, र र र र दूत मारना ठीक नहीं। आमी समी छतरी ते, ओ आमी समी
खातर लाया करते, घर पे खातर लाया करते, इसी में इज्जत थारी, दूत मारना ठीक नहीं से। सुनो भीम बलकारी, धर्म कर्म और मर्यादा की, शान बिगड़ जा थारी, दूत मारना ठीक नहीं। दुर्योधन अन्यायी को पड़ देनी चोट कराई, दूत मारना ठीक नहीं। ऋषि पाल सिंह घर आए का आदर करना चाहिए, शब्दों का संयोग छंदियो, शब्दों का संयोग छंद मा कुल ही धरना चाहिए। उतरना को सुंदर तू पार, उतरना को सुंदर सदा रह गया जकारी, दूत मारना ठीक नहीं। सुनो भीम बलकारी, प्रेमी दोस्तों, केशव ने गदाधारी भीम को समझाया दूत मारना ठीक नहीं। मेहरबानों, अब क्या था, युद्ध की तैयारियां होने लगी और पांडव मां कुंती से आशीर्वाद लेने लगे। साथियों, द्रौपदी कुंती के पैरों में पड़ गई। मेहरबानों, फिर क्या था, समझाने लगी कुंती, बहु द्रौपदी तू सती है और सती वीर का सम्मान हमेशा भगवान करते आए हैं, और फिर तुम्हारे भाई मोहन पांडवों के साथ हैं, यूं समझाने लगे। अरे सती द्रौपदी मत रोवे, तेरा बेटी अटल सो कोई मर्यादार, धर्म कर्म के मर्यादार, धर्म के ऊपर दुखड़े ठान पड़ जा। मनोकामना पूरी हो, मनोकामना पूरी हो, सीता ते बढ़ते भाग रहे, गंगा जमुना का जल जैसे उज्जवल और बेदाग रहे। ठाणी
की चंद की तारा ने पड़ी करनी टहल बिरानी, ध्यान लगा के सबका कुछ, ध्यान लगा के सबका कुछ जो कम तेन बेराग रहे, गंगा जमुना का जल जैसे उज्जवल और बेदाग रहे। मारी चंदर माँ के धोती मारी चंदर माँ के ना मिटे हमेशा दाग रहे, गंगा जमुना का जल जैसे उज्जवल और बेदाग रहे। सरस्वती का ध्यान धरे थे, सरस्वती का ध्यान करे थे को सुंदर सदा राग रहे, गंगा जमुना का जल जैसे उज्जवल और बेदाग रहे। सती द्रौपदी मती रोवे बेटी अटल सुहाग रहे, गंगा जमुना का जल जैसे उज्जवल और बेदाग रहे। साथियों, बदी कार्तिक तिथि दौज में सूर्य उदय होने वाले थे और कौरव और पांडवों का दल पूरब और पश्चिम में तैनात खड़ा हो गया। दोस्तों, पूरब में कैरों का 11 अक्षौणी दल और उधर पश्चिम में 7 अक्षौणी दल पांडवों का। सुनेंगे यहां के बोल। और दल डट गया कौरव पांडों का रणभूमि दरम्यान, रणभेरी माच गई। दल डट गया कौरव पांडों का रणभूमि दरम्यान।
दोनों का पश्चिम के मां अड़ा होया, दोनों सेनाओं के हाथा बाण धनुष पे चढ़ा होया। साहस बढ़ा हुआ केरों में बड़े बड़े बलवान रन, मेरी माच जी दल डट जा कौरव कानों का रणभूमि दरमान रन, मेरी माच जी। सेनापति का बात सम्मान गए, दोनों दल रणभूमि में लड़ने का कर ऐलान गए। भरत वंश की पूत का कारण बना करण बलवान रण, मेरी माच जी दल डट जा कौरव पांडवों का रणभूमि दरमान रण, मेरी माच जी। घने ते जंग होने ते भी संभाल ब्रह्मचारी, हसनापुर की रक्षा करना प्रतिज्ञा उनकी भारी। उनका पक्ष राज की रक्षा करना दृढ़ ईमान रण, देर माच जी दल डट जा कौरव पांडवों का रणभूमि दरमान रण, देर माच जी। कौरव दल में गुरु द्रोण और कृपाचारी, भीष्म दादा कैसे तोड़े को सुंदर भीष्म जी अपनी मर्यादा। बदी कार्तिक तिथि दोज में उदय हुए जब भान रण, मेरी माच जी दल डट जा कौरव पांडवों का रणभूमि दरमान रण, मेरी माच जी दल डट जा कौरव पांडवों का रणभूमि दरमान रण, मेरी माच जी। साथियों, पूर्व और पश्चिम दोनों दशाओं में कौरव और पांडवों के सजीले जवान खड़े हुए हैं और धर्म युधिष्ठिर ने आज भी बुजुर्गों का सम्मान, गुरु का सत्कार, मान मर्यादा का और धर्म का आज भी उल्लंघन नहीं किया। मेहरबानों, धर्म युधिष्ठिर कौरव पक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। दादा भीष्म से आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेने के लिए सुनेंगे आप।
और युद्ध ते पहलम धर्मराज कैरों के दल में धाए, कौरव दल के सारे सैनिक धर्म की ओर लखाए। युद्ध ते पहलम धर्मराज कैरों के दल में धाए, ये कौरव दल के सारे सैनिक धर्म की ओर लखाए। और संशय में पड़ गया दुर्योधन, धर्मराज क्यों आ रे, पांडव वीर कौरवा ते के बिना लड़े ही हारे। चर चरहे कौरव दल के आपस में सैनिक सारे, यार माफी मांगने आ रे जन के धर्मराज बेचारे। धर्म की ओर लखा रे कौरव मन ही मन हर सारे, यार कौरव दल के सारे सैनिक धर्म की ओर लखाए। नीच घमंडी दुर्योधन मन में अनुमान लगाया, मारी दे सतमान धर्म माफी मांगने आ रहा। पांडव दल डर गया मारे पे कोन्या लड़ना चाह रहा, धर्म युधिष्ठर परम परागत अपना फर्ज निभारा। दुर्योधन कड़ा भूल भरम में धर्म तू दौड़े आए, रे कौरव दल के सारे सैनिक धर्म की ओर लखाए। धर्मराज ने धर्म की खातर अपना फर्ज निभाया, गुरु द्रोण भीष्म के आगे जाके शीश झुकाया। धर्मराज ने करी नमस्ते हाथ जोड़ फरमाया, पांडव दल की ओर ते आशीर्वाद लेने आया। बुरा टेम ना टल पाया यो, बुरा टेम ना टल पाया, होनी के बादल छाए, अरे कौरव दल के सारे सैनिक धर्म की ओर लखाए।
सवाल गर भरत वंश पे बुरा बखत ना आता, काम क्रोध मद लोभ मोह का पंजा ना जम पाता। दुर्योधन शकुनी की सलाते जुआ नहीं कराता, भरी सभा में द्रौपदी ने ना करके नगन नचाता। अरे को सुंदर गाता होनी ने, को सुंदर गाता होनी ने, वैधव खेल खिलाए सारे सैनिक धर्म की ओर लखाए। युद्धित पहलम धर्म राज तेरों के दल में धाए, अरे कौरव दल के सारे सैनिक धर्म की ओर लखाए। बंदा गुरु और बुजुर्गों से दिल से फरियाद करता है, जो बंदा गुरु और बुजुर्गों से दिल से फरियाद करता है, एक दिन गुरु और बुजुर्गों का मन उस बंदे को आबाद करता है। मेहरबानों, दादा भीष्म के पास धर्म युधिष्ठिर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए। कहने लगे, दादाजी मुझे विजय का आशीर्वाद दो, मैं आज आपका पोता आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मेहरबानो सुनिए, दो चश्मे बोल। और दादा आशीर्वाद दियो, तम दादा आशीर्वाद दियो, होरन में विजय हमारी। आशीर्वाद धर्म हारा हो, जीत जंग में थारी। दादा आशीर्वाद दियो, रण में विजय हमारी। आशीर्वाद धर्म हारा हो, जीत जंग में थारी। मने जो ना हो शुरू लड़ाई, समझाया हमने दुर्योधन माना ना न्याय। दादा और गुरु रण में सब खड़े सामने भाई, होनहार हो प्यार होनी जाति नहीं तलाई। लड़के लोग हसाई हो, लड़के लोग हसाई हो, अरे बदनामी हो भाई। बड़े भाग के बली धर्म थारी, गेल्या कृष्ण मुरारी।
मत पड़ती दादा मत भूलो तम छत्र पणियोरी धर्म कर्म मर्यादा दादा और गुरु ते मारा के लड़ने का कादा नीति और धर्म पे होना चाहिए बुलंद इरादा बात बेतुकी जादा दादा बात बेतुकी जादा दादा तो दुनिया थूक सारी रन में रिश्ते ना होते हो रसम वीर की न्यारी एक ओढ़ने कुआ निर्भय होके ला पुत्र थरे साथ रहे मारी दुआ मुश्किल होता युद्ध अगर ना खेला जाता जुआ पश्चाताप करो मत सोचो होगा और जो हुआ सुहा सुई समान हक में सुहा सुई समान हक में नाचायाचारी दुर्योधन की जिद बेमानी मारे समियारी किस्मत का कोई बेरा पट्टा को ना लिखा भाग में तिलमा से भरे बढ़ता घटता को ना जो नर इस दुनिया में नारा यन ने रटता को ना बखत पड़े पे उस मानस का पूरा पड़ता को ना दिल फटता ना दुर्योधन दिल फटता ना दुर्योधन होता ना दुर्व्यवहारी कोशिंदर उड़ रही कल्पना ले सुंदर ले दारी तम दादा आशीर्वाद दियो दादा।